Hello, my dear student and my friends, भारतीय संविधान में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है आपका वो है भारत का संविधान। मुझे ऐसा लगता है कि भारत का संविधान की जानकारी भारत के प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए। एक्चुअली हम जिस देश में रहते हैं वहां संविधान का राज्य है, यानी कि संवैधानिक तरीके से यहां शासन चलता है, तो हमें उस संविधान का ज्ञान जरूर होना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को ये जरूरी नहीं है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षित हैं, उन्हें ही केवल संविधान का ज्ञान होना चाहिए, नहीं, बल्कि हर एक नागरिक को, बच्चा बच्चा से लेकर एक 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक को भारत का संविधान की जानकारी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं। एक गरीब से गरीब व्यक्ति को भी भारतीय संविधान की जानकारी होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग अगर धर्म की बात करते हैं तो हिंदू धर्म में जिस प्रकार लोग महाभारत, रामायण, गीता और भी बहुत सारे ग्रंथ किताबों का ज्ञान रखते हैं और अपने घर में जो सभी हिंदू भाई के घर में पुस्तक मिलता है, बहुत अच्छा है। जो जिस धर्म में है उस धर्म की संस्कृति को जानना चाहिए। अगर हम मुस्लिम के बात करते हैं तो सभी के घर में कुरान अवश्य मिलेगा। आज जो अशिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो जो हैं सभा करवाते हैं, पढ़े लिखे लोगों को बुलवाते हैं, वहाँ पे कुछ मौलवी मौलाना आते हैं और कुरान की बात लोगों को देते हैं। उसी प्रकार हिंदू भाइयों में भी है कि सभा आयोजित करके मुख्य रूप से आदरणीय जो भी संत महात्मा आते हैं और धर्म का ज्ञान देते हैं, जहाँ शिक्षित गरीब सभी लोग धर्म की ज्ञान अर्जित करते हैं। ये बहुत अच्छा है संस्कार के लिए। लेकिन चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, हर धर्म जो है अपना धर्म ग्रंथ के अनुसार लोगों में ज्ञान बांटते हैं। उसी प्रकार हम जिस देश में रहते हैं और हमारा देश जिस संविधान पे चलता है उस संविधान का ज्ञान भारत के हर एक नागरिक को होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको भारत का संविधान का ज्ञान ना होगा तो यकीन मानिए आपके साथ जो अत्याचार आज हो रही है वो अत्याचार कल भी होगा। आपके ऊपर अत्याचार ना हो इसीलिए संविधान का निर्माण किया गया है। अगर आप संविधान की जानकारी आपको बचपन से दी जाती है, हर एक बात को बचपन से आपको समझाया जाता हो,
डिटेल। तो यकीन मानिए कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते संविधान की 50% जानकारी अपने गूगल में शेयर कर लीजिएगा, डेट्स मीन्स मस्तिष्क में। और आप समझ सकते हैं कि अगर 50% भारत के संविधान का ज्ञान आपके पास हो जाए तो फिर आप सीना चौड़ा करके कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। समाज में जिस प्रकार डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और बहुत सारे लोग, नर्स, हर कुछ की पढ़ाई करते हैं, उसी प्रकार समाज में एक व्यक्ति ऐसा भी होना चाहिए जो लॉ का पूर्ण ज्ञान रखता हो। ऐसे तो वकील्स होती ही हैं, और लेकिन एक व्यक्ति होना चाहिए और बुद्धिजीव, पढ़े लिखे जीव, जो जो इंसान है, पढ़े लिखे इंसान, उन्हें सप्ताह में या मंथली में एक प्रोग्राम जरूर करवाना चाहिए अपने आसपास के इलाकों में, ताकि अशिक्षित, असहाय लोगों को तक संविधान की सही जानकारी पहुंच सके। क्योंकि जब आप संविधान को पढ़िएगा तो अपने हक के बारे में जानिएगा। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों को संविधान की जानकारी दूंगा, ताकि हर एक नागरिक जो है, केवल पढ़ने वाले बच्चे नहीं, बल्कि जो काम करते हैं, जो पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके पास भी सही जानकारी हो, ताकि वो अपने हक को समझ सके। सबसे पहले हम लोग जानेंगे टॉपिक्स कि संविधान की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो देखिए, संविधान की जरूरत किसी भी देश को इसलिए पड़ता है ताकि वो देश सही ढंग से जो है संचालित रहे, मतलब चलता रहे। किसी प्रकार के उस देश में एक खेल को खेलने के लिए, क्रिकेट एक खेल है, खेलने के लिए उसमें नियम बनाए, उस नियम के अंदर रहकर लोग खेलते हैं। 6 रन, 4 रन, 4 रन, लेफ्ट बॉल, वाइट बॉल, बाउंस बॉल, यहाँ से ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार लोग वहाँ एक नीति तैयार करते हैं, तो किसी भी देश को चलाने के लिए एक नीति तैयार किया जाता है और उसी नीति को संविधान कहते हैं, और उसी नीति के तहत देश में सारा कार्य होता है, शासन व्यवस्था। अगर हम बात करते हैं कि भारत में पहली बार जो है वो संविधान सभा की मांग किसने की थी और कब की थी, तो भारत में पहली बार संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में की थी। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी, कि भारतीय संविधान का मांग जो है वो पहली बार कब हुई थी और किसने की थी, तो आसानी से आप बता दीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में की थी। यानी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी को जो है संविधान सभा की मांग की थी। और अंतिम बार जो है
डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू 1938 में संविधान सभा की मांग की और उन्हीं के आधार पे आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के गठन हुआ। और डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू से पहले भी 4-5 बार, 3 बार, क्योंकि टोटल ये इन्होंने अंतिम बार यानी 5वीं बार इन्होंने संविधान सभा की मांग की। अब पहली बार बाल गंगाधर तिलक 1895 में, उस बीच में महात्मा गांधी भी मांग किए, मोतीलाल नेहरू भी, ठीक है। तो कहने के मतलब है कि इसके बीच में टोटल 5 बार मांग हो चुकी थी। अगर वहीं पे हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान सभा जो है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भारत देश हमारा आजाद हुआ तो कहते हैं ना, किसी का नजर लग जाना हमारे देश को भी नजर लग गया। मैं आपको एक कहानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के समय जो है अमृत निकलता है, और मंथन से पहले, जब मंथन ना हुआ था तो मंथन से पहले एक नीति तैयार की गई थी कि समुद्र से निकलने वाली जितनी भी संपदा होगी वो सारे संपदा आपस में बराबर बांटा जाएगा, ये बात कही गई। लेकिन बाद में जो है वो संपदा निकलता है लोगों के बीच, राक्षस और देवता के बीच जो है बंटवारा भी होता है, लेकिन कुछ चीज केवल देवता को मिलता है और कुछ चीज राक्षस को नहीं मिलता है, जिसके बाद युद्ध स्टार्ट होता है और लाखों लोग का नरसंहार हो जाता है। ठीक कह सकते हैं इंडिया के साथ भी वही घटना दोहराया गया। वही घटना दोहराया इसलिए गया क्योंकि मैं आपको बतला दूं कि इंडिया जब अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ाई कर रहे थे तो केवल आजादी में लड़ने वाले हिंदू भाई नहीं थे, उसमें मुस्लिम भाई भी थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों ने योगदान। और यहां भी एक नीति तैयार हुआ कि हम लोग सभी मिलके लड़ रहे हैं, जब हमारा देश आजाद होगा तो सबके हकों के लिए बात होगा और यहाँ पे सबके हक को ध्यान में रखते हुए कानून बनेगा, ठीक है। और वैसे ही हुआ भी, लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से जो है मुस्लिम शासित क्षेत्र जो हैं वो अलग देश का मांग किए, जिसमें आपका पाकिस्तान आ गया और बांग्लादेश, ठीक है। तो इन्हें अलग कर दिया गया क्योंकि 9 दिसंबर 1946 के रात ही जो है वो सभा दो गुटों में बट चुका था, एक हिंदुस्तान यानी भारत तो दूसरे पाकिस्तान। लेकिन जो होना था वो तो हो गया और काफी ज्यादा उस दंगे में लोग, बंटवारे में काफी लोग मारे भी गए, जो कि याद करने के बाद हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, सबके लिए वो घड़ी दुखदायक है। हम उसकी बात तो करेंगे ही, फिलहाल टॉपिक्स पे आते हैं तो हम लोग
टोटल पहली बार आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का बैठक हुई। उस बैठक का जो अध्यक्ष थे, दो अध्यक्ष थे, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई रूप से जो अध्यक्ष थे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के स्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो वहां पे आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब वही बात आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? सचिंदा सचिदा नंद सिन्हा। कौन? सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगर वहीं पे बात करते हैं प्रारूप समिति का अध्यक्ष, तो ये पूछा जाएगा भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो आप आसानी से इसका भी जवाब दे सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर हम आगे बात करते हैं संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव। अगर वहीं पे आपसे पूछा जाएगा उप अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान सभा का उप अध्यक्ष कौन थे, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वी टी कृष्ण चारी। और टोटल इसमें सदस्य कितने थे? 299 सदस्य थे। और इस भारत का संविधान किस आधार पे लिखा गया था, तो आप कह सकते हैं कि भारत का संविधान का मूल आधार था 1935 के 35 को माना गया। 1935 में के आधार पे जो है भारत के संविधान को। ये तो, और हम लोग भारत के संविधान जो है वो बन के तैयार हो चुका था आपका 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। और संविधान को तैयार होने में टोटल समय लग चुका था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान को पूर्ण तैयार होने में कितना समय लगा, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा और ये पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। लेकिन एक महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। समझ रहे हैं? 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से हमारे देश में लागू कर दिया गया और ये बन के तैयार हो चुका था आपका 26 नवंबर 1949 को। आप सोच रहे होंगे, सॉरी, 2 महीना बाद इसको लागू किया गया। ठीक है, नवंबर में ये तैयार हो चुका था लेकिन जनवरी में लागू हुआ 2 मंथ बाद। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 2 मंथ बाद क्यों लागू हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1949 को हम लोग जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे। और उनसे हमारा रिश्ता बोल सकते हैं, उनसे हमारा जो है भावना जुड़ी हुई थी।
इसीलिए उसी दिन हम लोग जो है उसके लिए हम आपको कभी और बतलाएंगे, ठीक है, कि आखिर क्या जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग मिनी आजादी बहुत पहले पा लिए थे, ठीक है। मिनी आजादी हम लोगों को बहुत पहले मिल चुकी थी, और जो पूर्ण आजादी कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को पूर्ण आजादी मिला। तो भारतीय संविधान को स्टार्ट करने से पहले हम लोग छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और ये छोटी छोटी जानकारी मैंने आपको आज बताया। अगर आपको हमारा विचार समझ में आया या अच्छा लगा हो तो आप इसे आगे तक पहुंचाने का कार्य जरूर करें, और किसी ना किसी माध्यम से अपने आसपास के लोगों को प्रेरित जरूर करें कि वो भारतीय संविधान को जाने। हैं कि भारत का संविधान की जानकारी भारत के प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए, चाहे वो 12 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुजुर्ग हो, चाहे शिक्षित व्यक्ति हो या अशिक्षित व्यक्ति हो। मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति तो समझ जाएंगे, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति जिस प्रकार कथा सुन के उन्हें ये पता चल जाता है कि रावण को किसने मारा, तो रावण ने, उसी प्रकार मैं चाहूंगा कि कथा के भांति जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो कथा के भांति भारतीय संविधान की जानकारी इकट्ठा करें और जानें कि भारतीय संविधान में उनके उन्हें क्या-क्या हक प्राप्त है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है तो गली से अगर पुलिस की वैन गुजरती है तो बहुत सारे लोग जो हैं घर में छिपने लगते हैं बिना गलती किए। अचानक ट्रैफिक वाला कोई रोक लेता है बिना गलती के भी आपसे 100 200 500 ऐंठ लेता है, तो आप जो हैं डर के मारे दे देते हैं, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। तो हम लोग जानकारी लाएंगे। चलिए सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिस बुक को पढ़ना चालू करने वाले हैं, जिस बुक के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं, वो है भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान में टोटल आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद कितने हैं, तो वर्तमान में जो है प्रेजेंट में 470 हैं। कितने हैं? 470 हैं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, पढ़े लिखे लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल्स क्या हैं, बट जिन्हें नहीं समझ में आया उनके लिए मैं बतला देता हूं कि अनुच्छेद क्या होता है। एक लिस्ट है, मान लीजिए हम एक बिजनेस चला रहे हैं, दुकान, ठीक है, राशन दुकान चला रहे हैं, तो राशन दुकान चला रहे हैं, तो राशन दुकान चला रहे हैं, तो उस राशन दुकान में हमें क्या क्या चीज चाहिए, कौन कौन सा चीज व्यवस्था करना होगा, ठीक है। तो वो सारे चावल, दाल, आटा, नमक, तेल, मसाला, ये सारे चीज हमको इकट्ठा करना होगा ना, तो इसके लिए एक लिस्ट तैयार करेंगे। नई दुकान खुल रहा है तो भाई टोटल, अब वो सारा लिस्ट को हमें किन किन लोगों से खरीदना है। मसाला, तो जहां से हम चावल उठा रहे हैं वहां बोलेंगे भैया हमको मसाला भी चाहिए, डेट्स मीन्स, तो वो व्यक्ति नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि उसका चावल का उत्पादन कर रहा है तो आपको चावल देगा। जो गेहूं का उत्पादन कर रहा है वो आपको गेहूं देगा। जो मसाले का उत्पादन कर रहा है वो आपको मसाला देगा, डेट्स मीन्स आपको नमक लाना है तो नमक दूसरे जगह से, तेल लाना है तो तेल दूसरे जगह से। बाकी जैसे कि
बॉडी लोशन, क्रीम, पाउडर, साबुन, तेल, ये सारे दूसरी जगह से। तो ये शेड्यूल बन रहा है ना, अनुसूचियां बन रही है, जिसके आधार पे आप सामान को क्या कीजिएगा, लाइएगा, दुकान में भरिएगा। टोटल मैंने तो लिस्ट निकाला, कितना 500 सामान हमको खरीदना है। अब कौन कौन सा सामान किधर से मिलेगा, ठीक है, किन किन दुकानों से मिलने वाला है, वो एक अनुसूची हुई, शेड्यूल। तो हमारे भारतीय संविधान में टोटल अनुच्छेद कितने हैं, 470। अब वो सारे अनुच्छेद, ठीक है, वो सारे अनुच्छेद उतने हैं। अब ये शेड्यूल, अनुसूचियां, ये क्या है, इतने भागों में उस थी को बांटा गया, अनुसूची, जिसपे भारत की शासन व्यवस्था कार्य करेगी, काम करेगी, प्रशासनिक शासन व्यवस्था जो डिवाइड किया गया है कि बाबू ठीक है तुम चले जाना मसाले वाले के यहाँ, मसाला लेकर आना, तुम्हारा ये काम है, ठीक है, आप चले जाना चावल की दुकान से, चावल लेके आना, ताकि दुकान में सजा के रख सके और सभी को राशन दे सके। तो इनका भी काम है प्रशासनिक शासन व्यवस्था जो होती है, जो पूरा शासन व्यवस्था को 12 भागों में बांटा गया है वर्तमान में, ठीक है। ये पार्ट मतलब भाग, ठीक है। अब ये टोटल कितने भाग का ये पुस्तक तैयार हुआ, ठीक है। तो पूरा हमने दुकान की सामग्री इकट्ठा कर ली, और क्या बोलते हैं कि वो सारे, अब उसका एक पूरा लिस्ट बना, ठीक है, तेल वाला का, ठीक है, मसाले वाला का, चावल वाला का, गेहूं वाला का। अब उसके अंदर मान लीजिए कि यहाँ तेल, तो तेल कई किस्म के आ गए हैं, उसके अंदर में आ जाएगा। अब चावल, चावल में कई किस्म आ जाएगा, तो उसके अंदर आ जाएगा ए बी सी डी करके, समझ रहे हैं ना, बाबा चावल, निर्मल चावल, देसी चावल, विदेशी चावल, डेट्स मीन्स ये सारे। तो इस तरह से वो भाग में बट गए। फर्स्ट भाग में हमें किस चीज की जानकारी मिलेगी ये जानेंगे, सेकेंड भाग में हमें किस चीज की जानकारी मिलेगी ये जानेंगे, फर्स्ट भाग कितना से कितना अनुच्छेद तक हमें पढ़ना है ये जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग सारा जानेंगे, एक एक करके जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि भारत जो है, उससे पहले मैं बता दूं कि वर्तमान में है, वर्तमान में भारत में जो है कितने अनुच्छेद है, 470, अनुसूचियां 12, भाग 25। लेकिन जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो कितने अनुच्छेद थे, 395, और अनुसूचियां 8, और भाग 22, ठीक है। भारत एक कैसा देश है, तो भारत एक संघीय देश है, फेडरलिज्म, भारत एक फेडरियल कंट्री है। कैसे ये देखा गया, संविधान जो बना रहे थे तो उन्होंने देखा कि भारत, आखिर सबसे पहले ये हम लोग समझेंगे कि संघवाद क्या है, ठीक है। तो ऐसी शासन व्यवस्था जहां सारे छोटे छोटे संघ मिलके एक बड़ा सा संघ का निर्माण करते हैं, जैसे छोटे छोटे राज्य मिलके जो है एक देश का निर्माण किए, ठीक है। और वहां पे चूंकि बहुत सारे छोटे छोटे राज्य मिलके निर्माण किए हैं, इसको आप ऐसे समझ लो ना, पहले जमाने में क्या होता था, राजा होता था, महाराजा होता था, यानी राजा के भी राजा, महाराजा, सम्राट, ठीक है, चक्रवर्ती। डेट्स मीन्स क्या होते थे, राजा जो होता था एक विशेष क्षेत्र का राज्य, किसी एक राज्य का राजा होता था। महाराजा यानी कि दो चार राज्य को अपने अधीन कर लिया, ठीक है, या तुम युद्ध में हार के अपने राज्य मेरे को सौंप दो, या तुम नतमस्तक हो जाओ और ये कहो कि मैं आपके अधीन है, आप जो कहेंगे सो करेंगे, समझ गए ना। तो ये होता था। तो यहां भी जो है भारत, ये सारे राज्य को इकट्ठा करके एक संघ बनाया, ठीक है, सबको मिलाया, मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूं,
सबको सिमट लिया, ठीक है। और इसे सिमटने में हमारे देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये सारा काम के लिए उन्हें सहारा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रांतों को जो है इकट्ठा करने में काफी ज्यादा मेहनत किए थे। तो भारत जो है सभी राज्यों को लेके एक संघ बनाया, और भारत एक संघीय व्यवस्था है, लेकिन यहां पे कुछ एकात्मक लक्षण, एकात्मक शासन व्यवस्था को भी लागू किया गया है। क्यों किया गया है सो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत का संघात्मक लक्षण क्या है। तो अगर बता दें कि भारत का संघात्मक लक्षण यह है कि भारत के लिए संविधान ही जो है संविधान की सर्वोच्चता होगी, संविधान से बड़ा कोई नहीं होगा। भारत का संविधान इसीलिए जानना चाहिए कि आप जिस देश में हैं उस देश का संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। शक्तियों का विभाजन होता है इसमें, भारत में शक्तियों का विभाजन कैसे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। हम आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और हम जिस देश जिस राज्य में रहते हैं हेमंत सोरेन के बीच में शक्तियों का जो है विभाजन किया गया है, ठीक है। तो शक्तियों का विभाजन करना, फिर बोलता है लिखित और कठोर संविधान। भारत का संविधान लिखित रूप से आपको दिया गया है, हर चीज को लिख के इंस्टा आप नहीं करते हो, अरे भैया कल 500 रुपया दे दो, ठीक है मैं दे देता हूं 500 रुपया, लेकिन लिख के तो दो, सिग्नेचर कराओ। अब तुम सिग्नेचर नहीं कराओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। जैसे मेरा एक दोस्त था तो रांची में वो रहता था और साथ में हम लोग रहते थे, तो जब भी घर मालिक को पैसा वो देता था तो अपने डायरी में लिख लेता था और मालिक से साइन करवा लेता था। क्योंकि मालिक लोग तीन भाई थे, हम भी देते थे, लेकिन मालिक क्या करता था, लेता था डायरी में लिखा या नहीं लिखा, पैसा 2-3 महीना का गड़बड़ हो गया। वो मेरा दोस्त तो दे रखा था पैसा, तो पैसा दे रखा था और पैसा क्या हुआ, एक हिसाब होने लगा तीनों भाई में, तो लगा गड़बड़, तो अरे वो लड़का नहीं दिया है। अब उस लड़का से जो है बहस होने लगा, वो तो आगे बहस कर लिया, बाद में प्रूफ दिखाने लगा ये सिग्नेचर किसका है, ये लिखित सिग्नेचर किसका है। दैट मीन्स लिखित संविधान है आपके पास, आपके हक के लड़ाई के लिए आप संविधान की इतने आर्टिकल्स में इतने नंबर पे मेरे हक की बात की गई है, आप पढ़ सकते हो, समझ रहे हैं ना। ये होता है लिखित का पावर, प्रूफ, दैट्स मीन्स। तो लिखित और कठोर, स्वतंत्र उच्च न्यायालय है यहां पे, न्यायालय है स्वतंत्र रूप से, उस पे सरकार कभी भी दबाव नहीं डाल सकती है, वो स्वतंत्र निरपेक्ष होके जो है वो आपको न्याय करेगी आपके प्रति। ये नहीं कि ये सरकार का व्यक्ति है तो सरकार बोल देगा तो उसको सजा नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं, एकदम स्वतंत्र है। यहां द्विसदनीय शासन व्यवस्था है, हम जानते हैं यहां पे द्विसदनीय, एक लोकसभा दूसरी राज्यसभा, ठीक है, दो द्विसदनीय जहां पे दो शासन व्यवस्था कार्य करती, एक लोकसभा भी कार्य कर रही है, दूसरा राज्यसभा भी कार्य कर रही है, यही है आपका द्विसदनीय शासन व्यवस्था, समझ रहे ना। यहां आपके ऊपर सिंपल भाषा में समझ लिया जाए तो यहां हमारे ऊपर दो तरह के शासन वर्क कर रहा है, शासन व्यवस्था, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग द्विसदनीय शासन व्यवस्था कहते हैं। चलिए एकात्मक लक्षण के बारे में बात करते हैं। जैसे कि भारत में शक्ति का विभाजन केंद्र जो है, शक्ति का विभाजन केंद्र के पक्ष में होगा, ठीक है, ऐसा नहीं हमने शक्ति का विभाजन करना है। अभी इसमें हमने बताया ना कि यहां पे शक्ति का विभाजन है, विभाजन करेंगे, डिवाइड करेंगे भैया,
ठीक है, राज्य आके बोलेगा कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो उस पर विचार करेंगे, बाद में उसको पारित करेंगे, यानी कि वो मेरे सहमति के बिना, यानी केंद्र के सहमति के बिना जो है वो शक्तियों का विभाजन नहीं हो सकता, है ना। केंद्र जब तक नहीं चाहेगा तो केंद्र के पक्ष में होता है, ठीक है। नागरिकता, यहाँ की नागरिकता जो है सबका सेम होगा, ऐसा नहीं कि झारखंड का झारखंडी और बिहार का बिहारी, पंजाब का पंजाबी, नहीं। नागरिकता सिटीजनशिप जो होगी आपकी वो सेम होगा, चाहे झारखंड हो बिहार का हो, वो भारतीय है। आई एम इंडियन, ठीक है, आई एम इंडियन, आई एम भारतीय, मेरा नागरिकता है कि मैं एक भारतीय हूं। फिर संविधान, संविधान जो होगा और राज्य और संघ दोनों के लिए एक ही संविधान है। क्या हमारे देश में दो संविधान चलते हैं क्या, कि झारखंड के पास अलग संविधान है और केंद्र के पास अलग संविधान है? नहीं भैया, दोनों के लिए एक ही संविधान है, एक ही नेशनल फ्लैग्स है, एक ही एंथेम है, एक ही गाना भी है, सॉन्ग, ठीक है ना। तो ये सारे सिंगल सिंगल है, मतलब संविधान एक होगा, कोई अलग नहीं होगा। आगे है एकीकृत न्याय व्यवस्था, जिसके तहत, इसको हम लोग आम कानून व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, जिसके तहत जो है न्याय जो है वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य करती है, उसमें कह सकते हैं कि उसका विकास करती है, कानून व्यवस्था का डेवलपमेंट, उसमें किसी भी प्रकार का नई चीजों की, मान लीजिए कि संविधान तैयार है, ठीक है, अब व्यवस्था यानी उसमें किसी तरह का कुछ चेंजेस करना हो जो जनता के लिए है, तो उस पर न्याय काम करेगी, न्यायालय, ठीक है। फिर बोलता है संविधान के संशोधन में संघ और अधिक शक्ति प्राप्त करती है। संविधान बोलता है कि बन के तैयार हो गए, लेकिन समय के साथ उसमें बदलाव जरूरी है, क्योंकि संविधान के जो जनक कहे जाते हैं डॉक्टर बी और अंबेडकर, उन्होंने संविधान को देते हुए कहा था, ठीक है, कि समय के साथ संविधान में बदलाव जरूरी है, यानी कि उसमें संशोधन किया जा सकता है। सो संशोधन करने का, संविधान में संशोधन करने का पूरा अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है? तो आपके संघ के पास, यानी केंद्र सरकार के। राज्यपाल जो आपके स्टेट पे होते हैं, राज्य में, उनका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति, ठीक है, तो ये दोनों पक्ष में आपको सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि भैया हमारा देश जो है वो संघीय व्यवस्था जोर है, यहां पे शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन वो सारे शक्तियां केंद्र के अधीन काम करती है। कि मैंने, डेट्स मींस बाबू, एक घर में चार पुत्र, अब पिता चारों पुत्र के लिए अलग अलग काम दे दिए शक्ति, कि तुम घर का इस भाग को देखोगे, किचन भाग को, तो घर के डेवलपमेंट के लिए बड़े बेटे, तो हमारे घर की छोटी मोटी जरूरतें के लिए ये, और अगेरा वगैरह काम देख लिया गया, लेकिन उसे बांध के रखने का कार्य उस पिता का है। वो पिता जब तक बच्चों को बांध के रखेंगे तब तक वो घर क्या होगा, एकदम बना होगा, लेकिन जैसे ही पिता छोड़ दें या फिर पिता का देहांत हो जाए तो घर टूट जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए भारत देश का जो है वो मेन रूप से कार्य यहां पे
केंद्र करती है और राज्य सरकार जो हैं उन्हें शक्तियां दी गई है कि वो अपने, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, ठीक है, जो एक शासन व्यवस्था से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, केवल विशालतम की नहीं बल्कि यहाँ पे विभिन्न धर्मों के, समुदाय के, जातियों के, प्रांतों के लोग रहते हैं, सबको एकजुट रखना है, समझ रहे हैं ना। इसलिए देखे थे ना, इसका एक उदाहरण आपको हम देते हैं। आपने देखा था कि कोरोना काल आया तो नरेंद्र मोदी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बोला कि कल से पूरा भारत लोकडाउन। तो डैट्स मीन्स डैट केंद्र सरकार उस पर राज कर रही है, यानी राष्ट्रपति शासन लग गया, डायरेक्ट केंद्र के द्वारा कोई भी व्यक्ति बाहर नजर नहीं आएगा। किसी भी आपातकालीन समय में जो है वो, अगर कोई देश आकर आक्रमण कर दे भारत पे, तो उस समय भी आपातकालीन में केंद्र सरकार चाहेगी तो राज्य सरकार से सारा शक्ति ले लेगी और अपने अधीन कर लेगी। जो राज्य सरकार बोलेगा वो केंद्र सरकार को करना होगा, सॉरी, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को बोलेगा वो करना होगा। जैसे नरेंद्र मोदी बोले कि लॉकडाउन, तो सभी कोई लॉकडाउन कर दिए। अब शक्तियों का बंटवारा हो गया है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार जो है अपने विकास के लिए केंद्र पर आश्रित रह सकते हैं, वो केंद्र से हर तरह का मदद ले सकते हैं। ठीक, लेसन वन भाग एक, टोटल 22 भाग है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था और सबको पारिस बाय पारिस हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। कथा हम सुना रहे हैं आपको, संविधान की कथा, ठीक है, जिस प्रकार आप रामायण की कथा सुनते हैं, महाभारत की कथा, कुरान की कथा, उसी प्रकार आप जो भाई लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए उसी प्रकार आप संविधान का भी कथा सुनिए। हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 तक, यानी कि आर्टिकल उसमें दिया हुआ है, 1 से 4 तक जो है लेसन वन में डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज हम लोग आर्टिकल 1 केवल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का वीडियो में हम लोग आर्टिकल 1 को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। आर्टिकल 1 सबसे पहले जो भाग है लेसन का नाम, ठीक है, जब हम लोग रामायण का कथा सुनते हैं तो होता है ना, रामायण में राम का बाल कांड, ठीक है, यानी कि रामायण स्टार्ट करने से पहले सबका पाठ दिया हुआ है कि जब राम छोटे थे तो उनका इतना से इतना तक में उसका लिखा हुआ है, फिर जब राम राजा बने तो उनका इतना से इतना तक लिखा हुआ है। तो डेट्स मीन्स यहाँ भी एक पार्ट्स जो हम लोग जानेंगे, तो हम लोग आज भाग 1 में जानेंगे। तो भाग 1 जो है वो बोलता है द यूनियन इस टेरिटरीज, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्रफल, ठीक है। भारत जो है वो क्या है, एक संघ है, क्या है, एक संघ है। संघ क्या होता है आप समझ गए होंगे और जो गांव देहात से हैं वो भी समझ गए होंगे संघ, क्योंकि आजकल जो है संघ चलता है, समिति बनती है, समिति बनता है ना गांव देहात में, आजकल महिलाएं जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसमें क्या होता है कि महिलाएं आजकल समिति चलाती हैं, महिलाएं नहीं पुरुष भी चलाते हैं। समिति में क्या होता है, कुछ संगठन मिलके एक संघ बनाते हैं और संघ बनाने के बाद जैसे कि होता है कि आप लोग 2-2 रुपया 5-5 रुपया सभी सेविंग करते हैं, ठीक है, जिसमें सरकार भी आपको और बैंक भी आपको जो है से मदद करती है कार्य के लिए। तो आप सारे मान लीजिए कि एक गांव की सारी महिला एक संघ बनाया, महिला समिति, तो एक संघ हुआ, उसमें सबको मिलके बनाया, रूल्स कुछ रखें कि इस रूल में हम लोग सबको रहेंगे, इसमें पैसा जमा होगा, जिसको जितना जरूरत होगा उसको देंगे। बहुत अच्छा रूल है कि अगर 20 आदमी मिलकर संघ बनाता है तो 20 आदमी हर बार जो है वो अलग अलग आदमी जो है उस संघ से पैसा उठाकर अपने घर के लिए काम कर सकता है। और बहुत अच्छा है, आप सोचिए ना कि 20 आदमी का पैसा जमा हुआ, उसमें से एक आदमी ले लिया, वो अपने घर के लिए मोटा पैसा ले लिया, अपने घर का काम किया, फिर पैसा वहां से
सेव कर दिया, दूसरा आदमी ले लिया, दूसरा पर्याय आया वो अपने कोई अर्जेंट काम किया, तीसरा आदमी आया वो अर्जेंट काम, ये एक संघ है, ठीक है। तो संघ इसी को बोलते हैं, आपको समझ में आ गया वो संघ, ठीक है, इंग्लिश में यूनियन है ना, यूनियन लीडर। आज तो जानते होंगे ना कि मजदूर का एक संगठन है, ठीक है, मजदूर लोग का, तो किसान लोग का, सबका एक संघ होता है, संघ में रह के काम करने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो संघ आपको समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकल 1 में हमें तीन प्रश्न है, आर्टिकल 1 में तीन टॉपिक्स दिया हुआ है। पहला बतलाया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, समझ रहे ना, भारत यानी इंडिया, ये दोनों अलग नहीं है, भारत और इंडिया एक ही है, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जब संविधान नहीं था तो भारत का बहुत सारे नाम थे, पांच नेम, चार नेम, ठीक है, भारत था, इंडिया था, हिंदुस्तान था, आर्यवर्त था, ठीक है, स्टेप का भारत का बहुत सारे नाम था। लेकिन जब भारत बन गया, भारत आजाद हुआ और संविधान लिखाया, तो आखिर इसमें कौन सा नाम को रखा जाए? तो चूंकि इंडिया जो है यहाँ पे सभी प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं और हर धर्म के लोग रहते हैं, ये बहुत ही हमारा देश जो है ना, वाकई में मैं आप लोगों से बताता हूँ, हमारा देश जो है ना वाकई में यहाँ कह सकते हैं कि ये ईश्वर की धरती है, यहाँ पे सच में ईश्वर आए हैं, तभी तो आज इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, और सबके लिए, सोचिए ना कितना अमेजिंग बात है कि सबके लिए एक कानून है, किसी के लिए अलग कानून नहीं, सब एक कानून में बंधे हुए हैं, कितना अच्छा लगता है ना। तो ये है, यही बता रहा है, भारत अर्थात इंडिया ये एक राज्यों का संघ होगा। संघ दो टाइप के होते हैं, आप समझ लीजिएगा, संघ दो टाइप का यहां पे लिख रखे हैं, फेडरल मतलब भी संघ होता है, यूनियन मतलब भी संघ होता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। डेट्स मींस कैसे, सो सुनिए, दो संघ, गांव में मैंने दो समिति बनाया, दो संगठन बनाया, ठीक है, एक संगठन में लोगों को जोड़ा, समझा के कि तुम मेरे संगठन में आ जाओ, ठीक है, और मेरे संगठन में रह के काम करो, डेट्स मीन्स आप हमारे साथ रहोगे और हमेशा काम आपको करना होगा, आप कभी हमसे अलग नहीं हो सकते हो, जब तक रहेंगे तब तक मेरे साथ रहना है आपको। और एक संघ हुआ कि संघ बना, अगर कुछ मतभेद हुआ तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो संघ का दो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, आप कच्चा होश और पक्का होश की कहानी समझ सकते हैं। पक्का होश जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग पूरा जो चीज भी करना है एक बार अच्छे अच्छे एकदम सरिया डालते हैं, अच्छा सीमेंट, हर क्वालिटी का एकदम पूरा एकदम एक ही बार, क्योंकि जानते हैं कि इसको टूटना नहीं है, ये रहेगा। लेकिन एल्बेस्टर उबेस्टर के बनाते हैं तो जस्ट एक ठीक करके एल्बेस्टर, और मतलब बोल सकते हैं ऊपर में खपड़ा जो पहले बनता था मिट्टी का घर, तो ये सारे हम लोग जो है नॉर्मली बनाते हैं, जो समय आने पे टूट भी सकता है। उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं, अमेरिका और भारत, भारत यानी अभी ये बता रहे थे ये यूनियन है, और अमेरिका क्या है, एक फेडरल संघ है, यहां पे भी राज्यों का एक संघ है, लेकिन अमेरिका का राज्य जितने भी हैं वो सारे राज्य का अपना एक क्या है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, मतलब कि अपना एक गीत, लोकगीत अपना है, सबका अपना अपना राष्ट्रगीत है, अपना अपना सबका सिटीजनशिप है, और जब मन करेगा मतलब कि सब उसको दे रखा है ये पावर कि चलिए हम लोग सब मिलके एक देश का निर्माण किए हैं, ठीक है, हम लोग सब मिलके, लेकिन अगर सबका अपना अपना है, हम आपको सहयोग कर रहे हैं, आप
सब चीज किसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है तो हम आपसे मिलेंगे और फिर चलेगा। लेकिन इंडिया में क्या है, यहां भी राज्यों का एक संघ है लेकिन सारे राज्य के लिए एक संविधान होगा। अमेरिका में सबके लिए अलग है, पूरे राज्य के लिए इंडिया में एक नेशनल फ्लैग होगा, अमेरिका में सबके लिए अलग अलग होगा। यहाँ सबके, चाहे वो झारखंड का हो, बिहार का, उड़ीसा का हो, सबका जो सिटीजनशिप होगा वो इंडियन होगा, जबकि यहाँ 50 अगर देश राज्य है तो 50ों का अलग होगा। ऐसा कोई है किसी सिटीजनशिप में लिखता होगा इंडियन के जगह में वो झारखंडी, बिहारी, मद्रासी, डेट्स मीन्स नहीं। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे, तो हमारा इंडिया ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला है कि इसका संविधान भी एक है और इसका नेशनल एंथम भी एक है, राष्ट्र सॉन्ग भी एक है, मैया झंडा भी एक है। तो ये है आपका भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का एक संघ है, आपको समझ में आ गया होगा। इसी में सेकेंड बोलता है कि अगर राज्य इस राज्यों का संघ है तो ये राज्य है कहाँ, उसका क्षेत्रफल कहाँ है, राज्य और उनके क्षेत्रफल कितना है। कोई कल को ये बोले झारखंड और बिहार में लड़ाई हो जाए कि झारखंड वाला और बिहार वाला आपसे में लग गया, ये बोला कि मेरा है, वो बोला मेरा है, ठीक है, तब ये कहाँ जाएगा। तब इसको बोला है कि संविधान से पहले पहली सूची अनुसूची में, पहली कितना, पहली अनुसूची में जाके आप पढ़िए, वहां पे सब विवरण दिया हुआ है कि पहली अनुसूची में आप जब जाके देखिएगा तो वहां आपको मिल जाएगा सारे राज्य और उनके क्षेत्रफल यानी एरिया। तो इससे आप पता कर लीजिएगा कि कौन सा राज्य का कितना क्षेत्रफल है और कितना वो भारत का हिस्सा है। तो ये सारा आपको पहली अनुसूची में जाके देखना होगा, ठीक है। तो ये जिसमें एक उदाहरण के लिए आपको बता दें कि 25वां संशोधन में गोवा जो है, ठीक है, 1987 में संशोधन हुआ था और गोवा एक राज्य बना, ठीक है। फिर सिक्किम जो है वो 36वां संशोधन में 1975 में जो है वो 22वां राज्य बना था, ठीक है। तो ये उसमें जुटा, किसमें जुटा, आपका पहली अनुसूची में जोड़ा गया। तो कहने का मतलब है कि कौन सा राज्य जो है और कौन सा राज्य अलग है, ये सीमा के बारे में यहीं पे आपको पता चलता है कि आप पहली अनुसूची में जाके ये देख सकते हैं। जैसे कि झारखंड और बिहार पहले एक ही में था भैया, लेकिन 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। कितना क्षेत्रफल अलग हुआ, कितना से कितना एरिया झारखंड बिहार में छोड़ दिया, बिहार इसको दिया और झारखंड अलग हुआ, नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये सारा चीज आप पहले अनुसूची में देख सकते हैं। आगे हम लोग जानेंगे भारत के राज्य की सीमा क्षेत्र है, ठीक है। तो अगर इसका हम बात करें तो तीन प्रकार के क्षेत्र हैं भारत में। कितने प्रकार के क्षेत्र हैं, तीन प्रकार के। पहला स्टेट, दूसरा यूनियन टेरिटरीज और तीसरा अर्जित क्षेत्र, कमाया हुआ। अर्जित धन नहीं बोलते हैं, बाप ने अर्जित किया बेटा ने उड़ाया। तो यहाँ पे बाप अर्जित किया बेटा ने उड़ाया, लेकिन यहाँ हमारे संविधान में जो है ना, एक बार जो अर्जित हो जाता है, इंडिया जिस चीज को अर्जित कर लेता है उसे यहाँ का कोई नेता नहीं उड़ा सकता है, क्योंकि हमारा देश के जो नौजवान हैं वो धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो तीन प्रकार का, पहला स्टेट जो कि अभी वर्तमान में 28 है, यूनियन टेरिटरीज जो कि वर्तमान में 8 है, अर्जित क्षेत्र अभी तक 0 है, कमाए नहीं है, क्यों, इंडिया किसी के ऊपर आक्रमण करके उसको अपने में नहीं मिलाया है ना, मिलाया है क्या, बिल्कुल नहीं मिलाया है। तो कहने का मतलब है, हाँ कोई शौक से आता है कि मैं इंडिया का मेहमान यानी इंडिया में शामिल होना चाहता हूँ तो स्वागत है भैया, आइए, हम अर्जित करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। एस्टेट यानी कि जो क्षेत्रफल में बड़ा होता है वो एस्टेट है, यूनियन टेरिटरीज जो क्षेत्रफल में छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए,
कहने का मतलब, तो ये भाग वन में इतना ही हम लोगों को पढ़ना था, और भाग वन में हम लोग इतना जानकारी इकट्ठा किए हैं। सेकेंड भाग में हम लोग जो है आर्टिकल 2-3 जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको तो समझ में आ गया होगा, एक बार रिवीजन कर देते हैं। भाग वन में हम लोग जो है 1 से 4 तक पढ़ेंगे, और इस लेसन का नाम होगा संघ एवं उसका क्षेत्रफल। ठीक है, जो मैंने संघ तैयार किया है उसका कितना एरिया है, क्षेत्रफल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 4 तक। सबसे पहले वन में अगर बात करते हैं तो यहां पे वन के अंदर 3 टॉपिक्स दिया हुआ है। भारत अर्थात इंडिया, ये राज्यों का एक संघ होगा, ये पूरे राज्य को लेके एक संघ बनाया है। ठीक है, प्लस में इसी में दूसरा दिया है किसका एरिया, क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछा कौन सा राज्य कहाँ है तो ये बदलता है, ये बोलता है जाओ दूसरा नंबर, बोलता है जाओ पहली अनुसूची में और वहां देख लो कौन सा राज्य का क्षेत्रफल क्या है और कितना है। फिर इसमें नहीं बताया है, याद रखिएगा पहली अनुसूची में डाला हुआ है भारत के राज्य और सीमा क्षेत्र। तो 3 प्रकार का यहां सीमा क्षेत्र है। ठीक है, 3 प्रकार का, पहला स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, अर्जित क्षेत्र है। ठीक है, तो स्टेट कितने हैं, 28 है, यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, 8 हैं, और अर्जित क्षेत्र अभी तक 0 है। तो ये था पहला लेसन में, तो अनुच्छेद 2 के बारे में जानेंगे। सिंपल भाषा में आप अनुच्छेद 2 को समझ सकते हैं कि अपना क्षेत्र सीमा उसको बढ़ाना। ठीक है, अगर कोई हमारे देश का राज्य ना हो, किसी दूसरे देश का राज्य हो, या कोई दूसरा छोटा देश हो, ठीक है, वो अगर भारत में मिलना चाहता है, ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश अलग हो गया, लेकिन अगर वो चाहता है कि हम इंडिया के भाग बने, तो उसके लिए वो स्वागत है कि भैया तुम बाप से रूठ के अलग हुए थे, ठीक है ना, तुम अपने पिता से रूठ के अलग हुए थे, अब तुम जो है वो क्या, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम वापस घर अगर आना चाहते हो तो इसके लिए दरवाजा खुला है, तुम्हारा हमेशा वेलकम है, जब चाहो तब आ जाओ। तो डेट्स मीन्स आप समझ सकते हैं कि आखिर पिता तो पिता होता है, अगर इससे कोई टूट के अलग हो गया है तो जुट सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं, तो अगर ये भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, भारत के अंदर आना चाहते हैं, तो स्वागत है। तो अनुच्छेद 2 यही कहता है कि बाहरी राज्य को जो है, बाहरी देश को अगर जो इंडिया में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे क्या करना है, जोड़ना है। किसके अनुमति से, तो प्रेसिडेंट के अनुमति से। ठीक है, राष्ट्रपति के अनुमति से। तो जोड़ने से पहले राष्ट्रपति से पूछ लिया जाता है, अनुमति ले लिया जाता है। तो आप अच्छे काम करोगे तो आपके पिताजी आपको कभी रोकेंगे कि मत करो। अगर आप अपने घर के लिए एक और बंगलो खरीदना चाहते हैं तो आपके पापा कभी रोकेंगे क्या, कभी नहीं रोकेंगे। मतलब कि आप जितना चाहें उतना प्रॉपर्टीज बढ़ा सकते। तो पहला यही कहता है, अगर श्रीलंका कल के डेट में अगर भारत में सम्मिलित होना चाहता है, भारत में मिलना चाहता है, तो स्वागत है, आप आ जाओ। ठीक है, उसी का एक उदाहरण है आपका सिक्किम। सिक्किम भारत में मिलना चाह उदाहरण के रूप में, तो आपको बता दें कि इसको जैसे क्या आया भैया, नहीं होता है कि अनजान व्यक्ति अनजान जगह में जाने से पहले ये सोचते हैं कि चलो कुछ दिन के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उस समय चीन जो है वो छोटे छोटे राज्यों पे, देशों पे आक्रमण कर रहा था, ये भी बेचारा छोटा सा देश था। ठीक है, तो सोचा कि चलो चीन तो हमको ऐसे ही अति कर देगा, क्यों नहीं हम शरण में चले जाएं। तो जब भारत के पास आया तो भारत बोला भैया अगर आप हमारे घर का सदस्य बनते हो, ये भारत एक क्या है, घर है, और इस घर में जितने भी राज्य हैं छोटे, वो इस घर का एक सदस्य है, तो अगर आप इस घर का एक सदस्य बनते हो तो जितना हक उस सदस्य को है उतना ही हक आपको भी देंगे।
यानी सिक्किम को दिया गया और इनको 25वां संशोधन के तहत सह राज्य घोषित किया गया। सह राज्य जब इनको घोषित किया गया फिर इनको लगने लगा कि नहीं अब तो मैं ठीक ठाक हूं यहां सम्मिलित। जैसे नहीं होता है कि कुछ लोग गांव से निकले शहर की ओर, गांव से निकले शहर की ओर कमाने के लिए शहर गए और गांव को भूल गए। दैट मींस वहां का रहन सहन में वो घुल मिल जाते हैं, वही जमीन ले लेते हैं, वही अपने लिए आशियाना बना लेते हैं ना। तो इसका मतलब है कि अब वो गांव नहीं जाना चाहेंगे। तो वही है ये भारत में, तो आगे इनको अच्छा लगा कि नहीं भारत के जो शासन व्यवस्था है बहुत अच्छा है, हमें पसंद आया, इसलिए मैं भारत का ही हिस्सा बनना चाहता हूं। तब एक और संशोधन किया गया आपका 1975 में, ठीक है, 26 अप्रैल 1975 को 36वां संशोधन में जो है ये भारत का पूर्ण रूप से एक राज्य बन गया। अब ये भारत का एक राज्य है, स्टेट है, ठीक है। तो उदाहरण समझ में आ गया होगा, सिंपल सा अनुच्छेद 2 यही कहता है कि भैया जितना इनकम करना है करो ना, अर्जित करो, कोई भी देश मिलना चाहता है मिला लो ना, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन। अब राज्य में भैया पापा जी, अब मैंने एक बंगलो खरीद लिया लेकिन इस बंगलो का नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दैट्स मींस ये आपके नाम से है तो यहाँ पे मैं अपना नाम का बोर्ड लगा लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अगर इस बंगलो को तो मैं खरीद लिया, अब इसको अगर घर तो बना लिया मैंने, अब इस घर को सोचता हूँ कि दिन दो भाई हैं तो दोनों भाइयों में डिवाइड कर दिया जाए, या ठीक है तो कहने मतलब या डिवाइड कर दिया जाए, इसका एक नया निर्माण कर दिया जाए ताकि प्रॉब्लम ना हो। क्या होता है चार भाई एक में रहते रहते लड़ने लगते हैं, तो उनके लिए डिवाइड बंटवारा। तो बोलता है कि संसद विधि द्वारा जो है आप जो है आर्टिकल 3 यही कहता है राज्य के साथ मिलकर जो है आप अपने सीमा क्षेत्र को जो है नाम को वो बदल सकते हैं, क्षेत्र को घटा सकते हैं और क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, सीमा क्षेत्र को राज्य के साथ मिलकर सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है, राज्य के नामों में परिवर्तन हो सकता है, नाम भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश हैदराबाद था, ठीक है, अब उसका नाम चेंज होके अमरावती हो गया, तो चेंजेस हुआ ना, तो बोलता है नाम चेंज करो ना भैया, पापा थे तो पापा का नाम था, अब पापा नहीं रहे तो नाम चेंज कर दो, मम्मी का नाम दे दो, मम्मी नहीं रहे तो बड़े भैया का नाम, मतलब आप चेंज कर सकते हो और इसी में तोड़ सकते हो। उदाहरण के लिए मैंने एक लिख रखा है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ कौन, छत्तीसगढ़ का, तो 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। वहीं पे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, ये कब अलग हुआ, तो 9 नवंबर 2000 को। वहीं अगर बात करें तो बिहार बेचारा सोचा कि हम काहे के पीछे रहे, इससे भी अलग हो गया बिहार से झारखंड, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सिंपल ये किसके तहत, आर्टिकल 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत आसानी से क्या हुआ कि एक राज्य टूट कर आपस में सहमति के साथ वो नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं, तो एकदम आसानी से, ठीक है। आर्टिकल 4 बोलता है कि 2 तथा 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है, यानी कि जब 2 और 3 का संशोधन जो होगा आपका, तो उस संशोधन में नया राज्य बनेगा टूट के। तो आपको हम बताए थे कि अनुसूची 1 में जहां पे राज्य अनुसूची 1, ठीक
ठीक है, जहां पे राज्य का नाम और सीमा क्षेत्र सब दर्शाया गया है, तो उसमें क्या होगा, चेंजेस होगा, चेंजेस होगा, उसमें चेंज किया जाएगा सूची में। फिर अनुसूची चार में, अगर उसमें अनुसूची चार में बताया गया संसद, ठीक है, संसद के बारे में, तो राज्य बनेगा तो, और राज्य टूट के बनेगा तो संसद का भी चेंजेस होगा। जैसे कि मान लीजिए घर था, अब उस घर को चला रहा था एक, तो उसमें पापा चार भाई, अब घर टूट के डिवाइड हो गया चारों भाई, तो हो सकता है कि सब में अलग अलग, अब बड़ा भाई उससे मांझिल, सांझिल, छोटा, सबको अलग अलग मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है दो तीन में जो चेंजेस होंगी, तो इसका मतलब है कि अनुसूची वन में भी चेंज होगा और अनुसूची फोर में भी चेंज होगा। प्लस चेंजेस के लिए 50% बहुमत होना चाहिए। अगर 50% बहुमत है तो आसानी से जो है कोई भी राज्य टूट कर अलग राज्य बना सकता है, ठीक है, अलग राज्य का निर्माण कर सकता है। और भले ही चिल्लाते रहे बिहार वाला, जैसे नहीं होता है, अगर बोलते रहे कि हम नहीं देंगे आपको इतना, पिताजी बोल दिए कि देना तो होगा बाबू, भले वो इनकम करे या ना करे, उसके पास इतना इनकम है कि वो अपने पैर पे खड़ा हो सकता है, तो तुमको उसको अलग करना होगा। तो राष्ट्रपति जो केंद्र है उसको अलग करता है, ठीक है, यानी कि आपको 50% बहुमत है संसद के पास, तो पारित हो जाएगा, राज्य जो है नया बन जाएगा, ठीक है। तो ये अनुच्छेद चार करता था। तो अनुच्छेद दो से लेके चार तक मैंने आपको इस क्लास में समझाया। अगले क्लास में हम लोग कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।